दोस्तों ये टाटा एस टी है और टाटा एस का साइलेंसर जाली का प्रॉब्लम आ गया है और वो स्टार्ट करने पे एकदम ख़राब साउंड आ रहा है उसका। आपको दिखाऊंगा मैं चालू करके, तो हमको चेक करना होगा इसके साइलेंसर जाली में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, वो रिपेयर हो सकती है या नहीं। आप देख सकते हैं नीचे ये तो दो टुकड़े हो चुके हैं उसके साइलेंसर जाली के और उसको हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो रिपेयर हो सकती है क्या। तो वो रिपेयर होने जैसा तो नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले उसको खोलना होता है। तो पहले हम चेक कर लेंगे एक साइलेंसर जाली नए वाली जो होती है वो कंप्लीट है या अलग से वेल्डिंग करना होगी उसको। तो हम उसको पहले देख लेंगे फिर उसके बाद इसको खोलेंगे हम। तो देखने के लिए हमको सबसे पहले BS3 या BS4 में जो जाली साइलेंसर में जो जाली लगने वाली है तो वो हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो ये जाली है दोस्तों वो जो हम उसमें फिट कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसको वेल्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट साइलेंसर जाली चेंज हो जाती है, जिससे गाड़ी की दोनों तरफ से तीन तीन बोल्ट होते हैं वो बोल्ट खोलकर आप जाली डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम ये बोल्ट खोल देंगे पहले। तो टाटा ST मॉडल की जो जाली है साइलेंसर की वो इस तरह से पीछे का टुकड़ा उसका निकल चुका है टूटकर और अब हम सामने का हिस्सा निकालेंगे। तो ये सामने वाले जो है तो ये भी 12-13 नंबर के ही नट बोल्ट होते हैं, उसमें 6 होते हैं जिसमें दो नट तो ऐसे होते हैं कि जिसको डायरेक्ट थ्रेड होते हैं अंदर से, तो उसको आपको चाकी नहीं होती है उसको। तो हमारी साइलेंसर जाली पूरी अभी बाहर निकल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारी साइलेंसर जाली जो है वो पूरी बाहर निकल चुकी है और एक कम खर्चे में काम होने वाला है, इसको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लो बजट के अंदर काम होता है। तो टाटा है इसका जो साइलेंसर जाली जो है एग्जॉस्ट साइलेंसर जो है वो कम खर्चे में रिपेयर हो जाएगा। तो ये देखिए हम पुरानी वाली निकाल के नई वाली उसमें फिट कर देंगे अभी। तो उसको पहले और उसके जो होल होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो इसलिए आपको कुछ करने की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली जो कंपनी से ही बनकर आता है तो वो उसमें सिस्टम के साथ ही बना होता है, तो आपको सिर्फ फिट करना है। ये देखिए हमारी जाली तो फिट हो चुकी है और उसकी फायरिंग जो है हमारी एकदम स्मूथ हो गई है। तो ये था टाटा ST मॉडल साइलेंसर जो साउंड है लाउड उसका स्ट्रॉन्ग आ रहा था और डेंजर आ रहा था, ज़्यादा बहुत ख़राब आ रहा था, वेरी लाउड साउंड और रिप्लेसमेंट और साइलेंसर।